गजरौला क्षेत्र के गांव बसेली में आंगनवाड़ी आशा खा रही गर्भवती महिलाओं का राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकास खंड गजरौला क्षेत्र के गांव बसेली में आंगनवाड़ी आशा खा रही है गर्भवती महिलाओं का राशन। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से जो गर्भवती महिलाओं को राशन वितरण करने के लिए आता है, आंगनवाड़ी आशा उस राशन को खुद ही डकार रही है। महिलाओं का कहना है कि 10-5 महिलाओं को राशन दे, बाकी को डांट डपट कर भगा देती है। कहती है कि इस बार 10 महिलाओं का ही राशन आया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उदल सिंह की रिपोर्ट। और इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद अमरोहा के बसेली गांव में। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या मामला है। यहाँ पर बहुत स्थिति। हाँ जी, बताइए क्या मामला भैया। नमस्कार सर, माय नेम बंटी भारती, विलेज बसेली, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। काफी साल से हमारे यहाँ महिला जो गर्भवती है, जिनके 5-5 साल के बच्चे हैं, कोई भी राशन, नहीं घी, न तेल, कोई भी ये महिला जो स्कूल के कोई वितरण नहीं करती है। जो महिला समूह की अध्यक्ष हैं, वो कहती है कि मात्र 20-25 जनों के नाम है, जो कि हमारे गांव के अंदर 70% महिला ऐसी हैं जिनके के 5-5 साल के बच्चे, 3-3, 2-2 साल के बच्चे, कमजोर बच्चे हैं। जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ सामान दे रही है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों तक नहीं पहुँच रहा। ये महिला जो है सामान को बेचती है और इनको डांट डांट कर भगा देती है। कौन सी मैडम है जो डांट कर भगाती है? क्या नाम है इनका? उनका पिंकी मैडम नाम है। एक मैडम हो रहा है सरिता मैडम है, पिंकी मैडम। क्या कहते हैं वो? इन्हें कहती है कि राशन 12-13 जनों का आया है, बाकी किसी का नहीं आया। ये अनपढ़ समाज है, चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर महिला को ये सामान मिलना चाहिए। हाँ जी, बताइए क्या मामला? अधिकारी के सामने गवाही देना आ रही है। इसी मोहल्ले को जो आवाज थोड़ी बहुत देते हैं।